President, ladies and gentlemen, I am indeed very happy to be present here today and to have the privilege of meeting and addressing the students who are the future builders of Pakistan. अली आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़कों को बुलाया और कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग जो है तो मिल कर के ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन कायम करो। चुनांचे उन्होंने हुक्म दिया राय साहब महमूदाबाद को कि आप बराए करम इनकी मदद कीजिए। हमने कायम किया, अल्लाह के फजल से ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन कायम हुआ। कायद आज़म ने एक डोनेशन भी दिया उसके लिए, कायद आज़म ने आकर के उसका इनाग्रेशन भी किया और बड़ी अच्छी तकरीर की और यही कहा कि मैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवानों के हाथ में देखना चाहता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इन नौजवानों को इस काबिल करे कि एक वो बड़ी ममलिकत को चला सके। हमको ये सियासी मसलक दिया कि तुम जाके कोशिश करो, मुस्लिम लीग के झंडे तले खड़े हो और इंशाल्लाह तुम पाकिस्तान बना लोगे। बहुत ही उसूली आदमी थे। उन्होंने कहा आपका पहला काम यह है कि अच्छी तालीम हासिल करें और जो वालदैन आपकी तालीम के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं उसका सही मसरफ बनाएं और तालीम हासिल करें, क्योंकि बिला तालीम के आप तरक्की नहीं कर सकते। As you know, that the eyes of the world are upon Pakistan, and we are watched by the various nations of the world with the keenest interest since the establishment of Pakistan as an independent sovereign state. It has been a great and historical event. कायद आज़म ने करारदाद पाकिस्तान के दरमियान एक बात की थी कि इफ मनी इज लास्ट समथिंग इज लास्ट, इफ ऑनर इज लास्ट ग्रेट इज लास्ट, बट इफ करज इज लास्ट ऑल इज लास्ट। कायद आज़म मुझे और मेरे भाई को माय चिल्ड्रन होके पुकारते थे, खासकर उस पर मुस्लिम लीग के सेशन में जो लाहौर में हुआ था, क्योंकि हमें लोगों ने पैसे दे दिए, इनाम दे दिया, तो वो उस वक्त के काइंड होते थे, तो काइंड ज़्यादा काइंड होते, तो हमने वो काइंड लेके मैंने कायद आज़म को दे दिया कि ये आप मुस्लिम लीग के फंड में दाखिल कर दें। पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी की है, मगर हमें पाकिस्तान को कायम रखने के लिए अभी और कुर्बानी करने होगी। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। सन 1937 में कायद आज़म ने पहली दफ़ा दिल्ली में विज़िट किया है तो घोड़ा गाड़ी में उन्हें लेके आए थे कायद आज़म को, एक किसी मकान की बालकनी में जगह उन्होंने हासिल की थी, वहाँ से बैठ के मैंने सबसे पहले कायद आज़म को उस वक्त देखा था कि उनको देखने के बाद तो हम बस खुशी के मारे बस दीवाने थे। उनके मेज़ के नीचे घुस के उनके पाँव के पास बैठ गए, जितनी देर उन्होंने जलसा रहा 2 घंटे, ये हमारे लिए बहुत बड़ा ऑनर था कि हम उनके पाँव के पास बैठे हुए थे। आजकल के टीनर्स का जो अमिताभ को देख के हाल होता है ना, वो हमारा कायद आज़म को देख के हाल। मैं तो कहती हूँ मेरे वालिद की तो हालत ये थी कि वो उनकी आवाज़ भी सुनते थे तो उनके आंसू बहने लगते थे, वो इतना इमोशनल हो जाते थे। Remember, your government is like your own garden. Your garden flourishes by the way you look after it and the efforts that you put forward. कायद आज़म में अक्सर आके हमारे साथ ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठ जाते थे, बड़े रिलैक्स्ड। जिन्ना साहब हर साल गार्डन पार्टी देते थे दिल्ली में, तो हम लोग गए उनकी गार्डन पार्टी में, तो मेरे हस्बैंड ने उनसे कहा कि मैं मुस्लिम लीग नहीं ज्वाइन कर सकता क्योंकि वो सेक्रेटरी चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के थे, मगर मेरी बीवी बहुत एंथुजियास्टिक है। कहने लगे, वी आर हैप्पी टू हैव द बेटर हाफ।
Of course, he was an excellent host. लोग अक्सर समझते हैं कि बड़े stiff थे, मगर मेरा तो तजुर्बा ये है कि वो बहुत relaxed थे, कम से कम socially बहुत relaxed थे।